अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फटे दूध से कैसे पनीर बनाएं। कि फटे दूध से पनीर कैसे बनाया जाता है, ये किसी वजह से अगर हम फ्रिज में रखना भूल गए या हमारा दूध किसी वजह से भी फट जाता है तो हम कैसे उसका पनीर बनाएं, तो उसके लिए मैंने इसे यहाँ बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये ऐसे पीसेस हो रहे हैं और ये हमारा पनीर बन चुका। तो पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और यहाँ मैंने लिया है एक सूती कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा पनीर फट गया था ना, अब उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सारा पनीर हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए हमारा पनीर बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसे पनीर भुर्जी बना सकते हैं और वो भी झटपट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बाज़ार जैसा ब्लॉक पनीर अगर आपको चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसकी एक ऐसे करके एक पोटली बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाज़ार जैसा पनीर चाहिए तो उसके लिए जो हमने ये पोटली बनाई थी, इसको हम अच्छे से ऐसे दबाते हुए इसका पानी रिमूव कर देंगे, ताकि इसका पानी पूरा रिमूव हो जाए और ये पनीर हमारा, हम हाथों की मदद से इसका सारा पानी ऐसे निचोड़ देंगे, ताकि इसमें जितना पानी है इसमें से रिमूव हो जाए। यहाँ हाथों की मदद से मैंने इसका पानी निचोड़ दिया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए ऐसे ही पोटली बना। अभी पोटली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पोटली को खाली बाउल में ऐसे लटका देंगे और यह किनारे से जो है हम कोई भारी सामान रख देंगे। यहाँ मैं भारी सामान रख रही हूँ और ताकि जो पानी है ना इसमें वो अच्छे से निकल जाए और जो पनीर है वो ड्राई हो जाए। हमें इसी पोजीशन पर इसे एक से डेढ़ घंटा रखना है, ताकि सारा पानी आराम से रिमूव हो जाए। लगभग एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, अब हम देख लेंगे। हमने देखा है तो ये पानी इसका बिल्कुल निचोड़ चुका है, पानी हमने निचोड़ दिया है, लेकिन इसकी बाइंडिंग अभी अच्छे से नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर लेंगे बाउल में ट्रांसफर। तो आप देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल निचोड़ चुका है, लेकिन इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रही है। ये पनीर बनकर अभी रेडी नहीं हुआ है, तो अब हम बाइंडिंग नहीं हो रही है, ये पनीर बनकर रेडी नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ हमें अरारोट का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का ही यूज़ करना है। और कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून भरकर हम डालेंगे और फिर हम इसको हाथ से अच्छे से कर लेंगे मैश। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कॉर्नफ्लोर डालकर हमें कर लेना है इसको मिक्स। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कॉर्नफ्लोर को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सूती कपड़े में अच्छे से डाल देंगे और इसके हम बना लेंगे पोटली। जैसे हमने पहले पोटली बनाई थी ना, ऐसे पोटली बनाकर इसको हमें ऐसे यूँ घुमा देना है, और घुमाने के बाद इसको हमें टाइट करके घुमाना है, और घुमाने के बाद इसको हमें ऐसे ही भारी, या तो भारी बर्तन से हमें दबा देना है, या 2-3 घंटे के लिए हमें इसे फ्रिज में रख देना है। और जब 1-2 घंटे हो जाएंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो बिल्कुल पनीर बनकर रेडी हो चुका होगा। तो इसको अब हम भारी बर्तन से दबाकर रख देते हैं एक से। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमने इसे भारी वजन की जो नीचे जो दबा दिया था उसमें से हमने इसे निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कितना बाइंडिंग एकदम पनीर है ये, और देखिए इसको हम आराम से अब काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा पनीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे कढ़ाई पनीर में, मटर पनीर में, ग्रेवी पनीर में, जैसा भी आप चाहें इसको बना सकती हैं। आई होप अगर आपको मेरी ये रेसिपी या मेरे बनाने का ये तरीका अच्छा लगा हो, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।